हलचल टीवी न्यूज। हिसार के बहुचर्चित मिर्चपुर मामले को लेकर जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी करार दिए गए एक नाबालिग आरोपी को हत्या, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ व अन्य विभिन्न मामलों में सजा सुनाई, जिसमें से अधिकतम सजा 3 साल की कैद व 10,000 रूपए जुर्माना किया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील रजत कलसन ने बताया कि कोर्ट ने जो सजा सुनाई है दोषी पर चल रहे केस की अधिकतम सजा है, जिसको ऊपरी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मिर्चपुर के पीड़ितों को शरण दे रहे समाज सेवी वेदपाल तंवर ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार से मांग की है कि मिर्चपुर के पीड़ितों का पुनर्वास किया जाए ताकि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेकर वे वकील से विचार विमर्श करेंगे तथा उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे। देखिए, ये लीगल जो राय है इसके लिए तो हमारे वकील जो बैठे हुए वो देंगे, परंतु पिछले लंबे समय से सरकार ने दोषी पिछली कानूनी लॉ दिल्ली कोर्ट ने भी इनको फैसला दिया था और हम अब सरकार से ये उम्मीद चाहते हैं इनको न्याय इस तरीके का मिले, सरकार से मिले और उनके पुनर्वास के लिए जो हमने डिमांड ऑलरेडी रखी है सरकार से हम चाहते हैं उनको इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। सर, जो ये फैसला है, इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? ये फैसला अभी हमारी वकील से राय लेकर के और कानून क्या बोलता है कि जुनाइल में इतनी ही सजा है या इतना ही जुर्माना है तो फिर उससे ऊपर तो ना तो कोई जा सकता ना कोई, और हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। सर, जो 4 नाबालिग आरोपियों को बरी किया था उस बारे में क्या कुछ करेंगे? उसमें भी हमारा वकील आरडी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका फैसला लेने जा रहे हैं। देखिए, मिर्चपुर मामले में आज जुनाइल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसमें जो जिस आरोपी को दोषी करार दिया था पिछली तारीख पेशी पर, आज उसे सजा सुनाई गई है। और इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो आरोपी नाबालिग था उसे हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है और जिसे 3 साल और 10,000 रुपए की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसे आगजनी, गैरकानूनी भीड़, लूटपाट, तोड़फोड़ इन मामलों में भी उसे सजा सुनाई गई है और SC ST एक्ट के धाराओं में भी उसे सजा सुनाई गई है। हाँ, जिन भी धाराओं में उसे सजा सुनाई गई है सभी धाराओं में सजा एक साथ चलेगी और जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल की है। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।